देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हरिद्वार जिले में हाईवे नेशनल रोड पर मंगलौर पड़ता है। आज ईद उल फितर की नमाज 7 बजे मोहल्ला पठानपुरा मंगलौर में नमाज अदा की गई। ईदगाह के बाहर भी चटाई बिछाकर नमाज पढ़ी गई। इतनी बड़ी भीड़ होने की वजह से मुस्लिमों का सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सभी को बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार के लिए लोग बाग देश विदेश से भी अपने घर पर आते हैं और सब लोग ईद की नमाज पढ़ने के बाद गले मिलते हैं, गले शिकवे दूर करते हैं और खुदा से दुआ मांगते हैं कि हमारे मुल्क में अमन चैन बना रहे और सभी खुशहाल रहें, बीमारी से भी निजात पाएं, किसी को कोई परेशानी ना हो, यही दुआ है नमाज के बाद मांगते हैं। इसलिए ईद का पर्व सबसे बड़ा कहलाता है। देखिए आफताब हुसैन की रिपोर्ट। इलाहुल आलमीन हम सब के खताओं को, गुनाहों को, नवजिशों को, कमी कोताहियों को माफ फरमा। बारी कहाँ है अल्लाह, जितने मुसलमान मर्द औरत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह सबकी मौफियत के फैसले फरमा। इलाहुल आलमीन सबके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आना जाना मकाम अता फरमा।